गोकर्ण जी ने गया में उसके लिए श्राद्ध किया, फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिली। घर जब आए गोकर्ण जी तो वो प्रेत सामने प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो बोल पड़ा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नामतः, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत हो गया हूं, मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने गया में श्राद्ध किया और तुम मुक्त नहीं हुए। लोग कहते हैं गया में श्राद्ध करने पर पितरों का उद्धार हो जाता है, जो व्यक्ति मर गया है उसका कल्याण हो जाता है। तो उस धुंधकारी प्रेत ने ही कहा कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति, एक बार दो बार नहीं 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने इतना पाप किया। और उसको मुक्ति नहीं मिली धुंधकारी को गया श्राद्ध से। इसका मतलब बोले, हम गया में श्राद्ध करके आकर के निश्चिंत हो जाएं कि अब हमारे सारे पितर तर गए, कोई जरूरी नहीं है, धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ था। अगर कोई बड़ा पापी है तो उद्धार नहीं होगा, जब धुंधकारी का नहीं हुआ और गोकर्ण जैसे पुण्यात्मा ने श्राद्ध किया और उसके बाद भी धुंधकारी कहता है, एक बार आपने किया, अभी 99 बार करो तब भी उद्धार नहीं होगा, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाले, आप समस्त विद्याओं के अधिदैवत हैं, आप कृपा करके बताओ कि गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तब सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई, इस धुंधकारी के उद्धार के लिए भागवत की कथा का अनुष्ठान करो, साप्ताहिक भागवत कथा अनुष्ठान, 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की विधि पूर्वक कथा हो। तो इस भागवत की कथा से ऐसे पापी का भी उद्धार हो गया। सूर्य भगवान की वाणी को सुनकर गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रावण के महीने में, जिस दिन की यह घटना थी उसी के ठीक दूसरे दिन उन्होंने कथा शुरू कर दी, क्योंकि दिनानाम नियमो नास्ति, दिन का तो कोई नियम है नहीं, जब शुरू कर दो, दूसरे दिन ही कथा शुरू कर दी अषाढ़ के महीने में। और अषाढ़ की नवमी से कथा शुरू भई शुक्ल पक्ष में और अषाढ़ की पूर्णिमा तक कथा चली 9 दिन तक, वो 7 दिन तक। 7वें दिन कथा जब समाप्त हुई, महाराज वो धुंधकारी प्रेत उसी पांडाल में बैठकर कथा सुनता रहा, उसके लिए कोई गद्दी नहीं लगाई गई थी, वो तो प्रेत था, कहीं दिखे तो है नहीं किसी को, तो उसके लिए कोई गद्दी लगाई जाए। तो वो क्या किया, बोले वो सुनना चाहता था इसलिए पांडाल में आया, एक बांस गड़ा हुआ था पांडाल में, उसी बांस में घुस गया, वायु रूप था, और उसी बांस के अंदर बैठ करके वो कथा सुने। और संजोग से वो बांस जो था उसमें 7 गांठें थी, 1 2 3 4 गांठ होती ना, एक एक डेढ़ डेढ़ बित, 7 गांठें थी, उसी में वो बैठा और ऊपर बैठा महाराज सबसे ऊपर और कथा सुनने लगा, वायु रूप था। 1 दिन की कथा जब समाप्त हुई तो जब शाम को आरती हुई और आरती के बाद पुष्पांजलि समर्पण किया गया और पुष्पांजलि के समय जय घोष हुआ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, तब तक बांस की एक गांठ फटी चट, किसी को पता नहीं चला, उसी जयकार के मध्य में बांस की एक गांठ फट गई, धुंधकारी का आसन और नीचे आ गया, दूसरी गांठ। दूसरे दिन की कथा सुना, दूसरी गांठ फटी और किसी ने नहीं देखा, ये क्रम चलता रहा। 7वें दिन जब 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई तो 7 खंड का ही तो वो बांस था, 7वें दिन बांस के दोनों टुकड़े अलग होकर के गिर पड़े, तब लोगों ने देखा और उसी के मध्य से वो धुंधकारी जो था प्रेत, वो दिव्य रूप में देवता के रूप में प्रकट हो गया। मां दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित, सुंदर दिव्य आभूषण धारण किए हुए, तुलसी की माला पहने हुए, पीतांबर धारण किए हुए, पीतांबर धरह, पीतांबर धारण किए हुए दिव्य स्वरूप में वो धुंधकारी प्रेत प्रकट हो गया। और फिर उसे देखकर लोगों ने कहा, अरे ये कौन से देवता। तब तक धुंधकारी ने अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया जो कथा सुना रहे थे,
ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत। अपने भाई को प्रणाम करते हुए धुंधकारी ने कहा, मैं आपका भाई हूं, त्वया हम मोचितो बंधो। हे बंधु, हे भाई, तुमने हमको मुक्त कर दिया। आज इस कथा को सुनकर के हम मुक्त हो गए, हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब मैं भगवान के धाम जा रहा हूं। त्वया हम मोचितो बंधो, हे बंधु, तुमने हमें मुक्त कर दिया। ये बंधु शब्द यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण है। बंधु का मतलब क्या है? सीधा अर्थ तो बंधु का मतलब भाई होता है। अपने स्वजन को लोग कहते हैं हमारे ये बंधु हैं। बंधु का मतलब जिससे हमारा कोई संबंध हो, बंध हो, वो बंधु बन। लेकिन वास्तव में बंधु कौन है? अगर इस विषय पर विचार किया जाए तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि न सह पिता स्यात् जननी न सा स्यात्। वो माँ माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, जो हमें माया के बंधन से मुक्त न करे। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राणते प्यारो, जाते होए स्नेह राम पद, ए तो ही मतो हमारो। जिसके संबंध से भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो, जिसके संबंध से हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर लें, हमारा मोह नष्ट हो जाए, जो हमें सही मार्ग पर लगा दे, वही वास्तव में हमारा बंधु है। बाकी दुनिया में कोई किसी का बंधु नहीं। सब खाली धन संपत्ति और पैसा और व्यापार और समाज के लिए बंधु बने हैं। वास्तविक बंधु वही है, वही आपका हितैषी है, जो आपको भगवान के चरणों से जोड़ दे। उससे बड़ा दुनिया में कोई हितैषी नहीं। तुलसी सो सब भांति परम हित, वही परम हितैषी आपका। पूज्य प्राणते प्यारो, वही पूज्य है, वही प्रिय है। जाते होए स्नेह राम पद, जिनके संबंध से भगवान के चरणों में प्रेम। इसलिए धुंधकारी ने कहा कि त्वया हम मोचितो बंधो, हे बंधु, आपने हमको मुक्त कर दिया। कृपया प्रेत कल्मषात् धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत जी की वार्ता कितनी धन्य है, ये प्रेत पीड़ा को नष्ट करती है। आज मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं। और जाते जाते उस धुंधकारी ने अपना अनुभव कहा। धुंधकारी ने कहा, सुन लो। क्या सुन लो? बोले, कंपन्ते सर्व पापानी सप्ताह समणे स्थिते। कोई व्यक्ति ये संकल्प करके बैठ जाए कि अब हम एक सप्ताह भागवत जी की कथा श्रवण करेंगे, केवल जजमान ही नहीं श्रोताओं के लिए भी, कि वो संकल्प कर ले कि अब एक हफ्ता हम सारा काम बंद करके कथा हो रही है यहां पर हम सुनेंगे। इस तरह मानसिक संकल्प करके वो एक सप्ताह कथा सुन ले, सुनने का संकल्प कर ले, तो संकल्प करते ही उसके शरीर के जितने पाप हैं वो थर थर कांपने लगते हैं। कंपन्ते सर्व पापानी, कंपन्ते सर्व पापानी सप्ताह श्रवणे स्थिते। सप्ताह श्रवण करने के लिए कोई स्थित हो जाए, संकल्पबद्ध हो जाए, तो सारे पाप कांपने लगते हैं। क्या, क्यों कांपने लगते हैं? बोले, सब पाप आपस में वार्ता करने लगते हैं। आपस में वो सब पाप बतियाते हैं। क्या बात करते हैं? बोले, अस्माकं प्रलयं सद्यः कथाचेयं करिष्यति। ये जो कथा है, ये कृष्ण कथा, भागवत कथा, बोले क्या करेगी? बोले, अस्माकं प्रलयं सद्यः, ये तो हमारा नाश कर देगी, इसलिए आई है। वो सब पाप आपस में चर्चा करते हैं कि ये कथा तो हमारा नाश कर देगी, इसलिए अब हम कहां जाएं? सब थर थर कांपने लगते हैं। और ये कथा करती क्या है? बोले, जीव के सारे पाप का नाश कर देती। बोले, कुछ पाप बच जाते होंगे? कहते, ना ना, गोकर्ण स्वयं बता रहे, वो धुंधकारी स्वयं कह रहा है, मुझे देखो, मेरे सारे पाप नष्ट हो। कौन कौन से पाप? बोले, आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम। आर्द्रम, आर्द्रम माने ताजा ताजा पाप, आर्द्र माने भीगा होता है। संस्कृत में आर्द्र का मतलब भीगा, और यहां पर आर्द्र का अर्थ है ताजा पाप, एकदम ताजा ताजा, सूखा पाप नहीं। आर्द्रम
शुष्कम, शुष्कम माने पुराना पाप जो सूख गया है, पहले आपने किया है। आर्द्रम शुष्कम, और कहते हैं लघु स्थूलम, छोटा पाप, स्थूलम बड़ा पाप। और बोले बांग मनक कर्म अभिकृतम, वाणी से मन से कर्म से जो हमने कर्म किए हैं, पाप किए हैं, वो सब श्रवणम विदहेत पापम, कथा श्रवण मात्र से वो सारे पाप चल जाते, विदहेत नष्ट नहीं होते, नष्ट होने की प्रक्रिया भी कई प्रकार की, कहते हैं विदहेत जल जाते, जल करके राख हो जाते। विदहेत पापम किस प्रकार, बोले पावकस समिधो यथा, जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती, खूब प्रचंड अग्नि हो, जैसे होलिका दाह होता है ना, होली में होलिका दहन करते हैं, तो होलिका दहन में इतनी प्रचंड आग रहती है कि गीली गीली लकड़ियां डाल ओल काट करके भी सब लड़के ले जाके डाल देते हैं, क्योंकि होलिका खूब बड़ी हो, विशाल हो, इसलिए सब कच्ची पक्की सब लकड़ी डाल देते हैं, लेकिन एक भी नहीं बचती, चाहे वो भीगी हो चाहे सूखी हो, क्योंकि अग्नि इतनी प्रचंड है, सब जल गई। उसी प्रकार ये भागवत की तत्व ज्ञान की अग्नि जो है इतनी प्रचंड है कि इस प्रचंड अग्नि में चाहे सूखे पाप हो, चाहे गीले पाप हो, चाहे ताजे पाप हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, मांग बांग मनक कर्म अभिकृतम, वाणी मन और कर्म से किए गए पाप हो, सारे पाप विदहे जल जाते, समाप्त। सर्वथा पाप से मुक्त कर देने वाली ये दिव्य मंगलमयी कथा, लोग इसकी महिमा को नहीं समझ पाते, सोचते हैं बस ऐसे ही है, कथा है जैसे हो रही सारी, इसको बड़ी ही गंभीरता में श्रवण करना चाहिए। और एक एक बात कितनी महत्वपूर्ण है, वो केवल कहानी नहीं है, केवल मनोरंजन नहीं है, केवल तमाशा नहीं है, केवल ये कोई प्रदर्शन नहीं है, अपितु ये यथार्थ है, इसे जीवन में समझना चाहिए। जब गोकर्ण जी से धुंधकारी ने कहा तो धुंधकारी के वचनों को सुनकर के गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए। अब तब तक विमान उसके लिए आया, ले जाने के लिए, वैकुंठ ले जाने। विमान जब आया तो धुंधकारी विमान में बैठने लगा, तो जितने लोग थे कथा श्रोता, वे सभी कथा श्रोता कहने लगे, अरे सुनो सुनो भाई, ये एक विमान केवल लेकर के आए, कथा तो हम सब ने सुनी थी, और विमान क्यों नहीं लाए, इसको ले जाओगे हमको छोड़ दोगे। तो गोकर्ण जी ने कहा, हाँ भाई बात तो ठीक है। गोकर्ण जी ने उन विमान में बैठे हुए देवताओं से कहा कि आपने कथा सुनाई और इसने सुनी। गोकर्ण जी ने कहा, हमने कथा सुनाई, इसने सुनी और इसकी मुक्ति हो गई, और हमारी मुक्ति नहीं हुई, हमारे लिए विमान नहीं लाए, हमारे अन्य श्रोताओं के लिए विमान नहीं लाए। सोचो कितनी अद्भुत बात है, सुनने वाले धुंधकारी की मुक्ति हो गई, बाकी श्रोता थे उनके लिए विमान नहीं आया, और जो सुना रहे थे उनके लिए भी विमान नहीं आया। गोकर्ण जी ने कहा, सुनाया तो हमने ही था, हमारे लिए तो कम से कम आने चाहिए था, और किसी के लिए आवे ना आवे। तो उन देवताओं ने कहा, सही बात बतावे। बोले हाँ महाराज सही बताओ, आप देवता हो, देवता तो झूठ बोलते नहीं, आप सही सही बताना। देवताओं ने कहा, सच्चाई ये है कि कथा तो आपने सुनाई, लेकिन आपकी बुद्धि में स्वयं के उद्धार की भावना ही नहीं थी, आपकी बुद्धि में तो ये भावना थी स्पृत्वा का कल्याण हो, आप तो केवल एक औपचारिकता पूरी कर रहे थे, कथा सुना रहे थे, आपका उद्देश्य था कि इस प्रेत का उद्धार हो जाए, और बाकी श्रोता जो थे वो आपका आयोजन देखने सुनने आए, वो भी सुन रहे थे, लेकिन उनको भी आत्म कल्याण की कोई ऐसी दृढ़ इच्छा नहीं थी, और मानो तो ईश्वर का अंश है, जैसे ईश्वर का संकल्प सत्य संकल्प होता है, उसी तरह हम मानव हैं, हम भी जैसा संकल्प करेंगे वैसा होने लग जाता है। इस बात को हम आप नहीं समझ पाते, लेकिन सच्चाई ये है कि मनुष्य का संकल्प भी सत्य होता है, सत्य न होता तो दुनिया में सबके मन के काम कैसे होते। जो व्यक्ति चाहता है हम इंजीनियर बन जाए वो इंजीनियर बन जाता है, जो चाहता है हम डॉक्टर बन जाए वो डॉक्टर बन जाता है, जो व्यक्ति जो बनना चाहता है दुनिया में बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्यों, बोले उसने इच्छा की, संकल्प किया, वो उसके जीवन में होने लगा, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर का संकल्प सत्य है, उसी प्रकार अंश में, कुछ अंश में हमारे संकल्प भी सत्य हैं, उतना तो नहीं लेकिन कुछ अंश में हमारे संकल्प सत्य होते हैं, अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगे हों। उसी प्रकार आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए जब हम संकल्प करेंगे तो यही भागवत कथा हमारा उद्धार भी करेगी। अगर वो संकल्प नहीं है
वो भावना नहीं है, केवल यही भावना है कि चलो भाई भागवत सुन लेना है, एक काम है पूरा हो जाए, इसको काम समझ करके इसको भी पूरा कर देना, तो हाँ काम के तरीके पूरा हो जाए। कथा सुने हैं, कुछ पुण्य तो जरूर मिलेगा, श्रुतम हरति पापानि, सुनने मात्र से पाप का नाश होगा, लेकिन जो पूर्णता पूर्ण फल मिलना चाहिए, जो पूरी पूरी इसकी उपलब्धि होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। देवताओं ने कहा महाराज कथा तो आपने सुनाई, लेकिन आपका विचार कुछ और था, इसको सुना करके इसका कल्याण करना था, सूर्य भगवान की वाणी पर विश्वास करके आपने काम किया। और श्रोताओं ने भी केवल इस दृष्टि से सुना कि कोई दिव्य आयोजन है, भक्ति का आयोजन है, चलो हम भी सम्मिलित हों, गांव में हो रहा, हमको चलना चाहिए, इस भाव से लोग आए। लेकिन धुंधकारी तो मन बुद्धि चित्त को लगा करके एकमात्र कथा में ही मन लगाया था, कथा तो सबने सुनी लेकिन किसी ने मनन नहीं किया। ये मनन क्या होता है? देवताओं ने कहा श्रुतम तो सर्वैः न तथा मननम कृतम, कथा तो सबने सुनी लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। गोकर्ण जी ने पूछा मनन क्या है, उन श्रोताओं ने पूछा ये मनन क्या है जो धुंधकारी ने किया बाकी ने नहीं किया, तो कहते महाराज धुंधकारी मनन करता था, 3 घंटे सुबह कथा हो, 3 घंटे शाम को हो, सवेरे 3 घंटे जब कथा हो तो दत्त चित्त होकर के वो कथा सुने, और जब 3 घंटे बाद कथा बंद हो जाए 12 बजे, 7 बजे से 12 बजे का एक सत्र हुआ, 12 बजे जब कथा बंद हो गई तो धुंधकारी सोचने लग जाए अब ये 3 घंटा कैसे बीतेगा, अब 3 घंटा बाद ही व्यास जी बैठेंगे गद्दी पर, तब ऐसी मधुर वाणी सुनने को मिलेगी, अब उसका मन उसी कथा में लगा रहे, और कितनी बढ़िया कथा सुनाए थे, भगवान के इन गुणों का वर्णन किया, वही सब सोच सोच करके वो आनंदित हो और प्रतीक्षा करे कब 3 घंटा ये बीत जाए और व्यास जी फिर व्यास पीठ पर बैठे और वाणी हमको सुनने को मिले, और जो कथा उसने पहले सुनी उस कथा का बार बार चिंतन करे, उन कथाओं को सोच सोच करके चिंतन कर करके उसका हृदय द्रवीभूत हो, कभी रोए कभी हंसे कभी आनंद ले। रुदंत भीक्षण हसति क्वचित च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, ये सारी दशा उसके जीवन में आ गई। फिर 3 घंटे शाम को कथा सुनने के बाद जब रात्रि में शाम को 6 बजे सत्र समाप्त हो जाए, व्यास जी विश्राम करने चले जाएं, श्रोता लोग अपने अपने घर, तो वो धुंधकारी प्रेत उसी बांस में बैठा बैठा रात बितावे, सोचे कब ये रात बीतेगी, कब सवेरा होगा, फिर कथा होगी। इतनी लालसा उसके मन में, इतनी प्रसन्नता, और उन कथाओं का बार बार पुनः पुनः चिंतन जो उसके हृदय में होता रहा और अनुभव होता रहा, यही मनन, अर्थात दुनिया के सारे कार्यों को भूल करके वो भगवान की कथा में ही डूब गया, और 7वें दिन उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। गांव वालों ने कहा अरे हम समझ नहीं पाए, हम समझे होते तो हम भी ऐसे ही करते, अब क्या करें, अब तो हम चूक गए। तो गोकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, आप भी चूके हम भी चूके, अब चूकने वाला व्यक्ति समझ जाए तो अच्छी बात है, समय रहते समझ जाए। बोले अब क्या करें, गोकर्ण जी ने कहा अब कल से फिर कथा होगी, धुंधकारी की मुक्ति भई आषाढ़ की पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को, 2रे दिन से सावन लगने वाला था। गोकर्ण जी ने कहा अब कल से फिर कथा होगी और अब हम सब लोग चिंतन करते हुए रस में डूब करके इस कथा का आनंद लेंगे। फिर लगे हाथ, भागवत कथा हुई 7 दिन तक श्रावण के महीने में, और 7वें दिन क्या स्थिति हुई, बोले उस गांव में जितने लोग थे और स्वयं गोकर्ण जी महाराज जो कथा सुना रहे थे, उन सब के लिए विमान आया और सबको विमान में बैठा करके देवता लोग पूरे गांव को ही लेकर